आप में से कई लोगों को 90 के दशक का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये जिंगल जरूर याद होगा, जिसमें दूध की सेहत और स्वाद को लेकर लोग दीवाने हैं। दीवानगी का कारण भी है, जन्म के बाद इस धरती पर हमारा पहला आहार दूध ही होता है। बच्चों के लिए दूध एक संपूर्ण आहार है, तो वयस्कों के लिए कई तरह के पोषक तत्वों का स्रोत। दूध को लेकर दीवानगी आज भी है, लेकिन दूध पिए कैसे जब मिलावट की समस्या सामने हो? तो आज मापतोल की दुनिया में परखेंगे दूध की शुद्धता को। दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट की तरफ हाल में वैश्विक ध्यान तब गया जब 2008 में चीन के शिशु दूध उत्पाद में मेलामाइन नामक रसायन की मिलावट का पता चला। लेकिन वास्तव में दूध में मिलावट का इतिहास काफी पुराना है। 1850 में स्विल मिल्क स्कैंडल दर्ज किया गया था, जिसने केवल न्यूयॉर्क में लगभग 8000 शिशुओं की जान ले ली थी। दूध में मिलावट की जांच के कुछ तरीके 18वीं शताब्दी से इस्तेमाल में है। 1820 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरी एक्यूम ने पहली बार अपनी किताब अ ट्रीटेज ऑन एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड कल्नरी पॉइजन्स में दूध से बने पनीर में रंग के लिए लेड और मरकरी सल्फाइड की मिलावट का जिक्र किया। इसके बाद से ही दूध में मिलावट एक गंभीर वैश्विक मुद्दा रहा है। इस मिलावट का पता लगाने के लिए कई तकनीकें विकसित हुईं। समय के साथ मिलावट जटिल होती गई, तो तकनीक भी उन्नत होती गई। दूध का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। सामान्य तौर पर दूध की शुद्धता और गुणवत्ता के लिए जो पैरामीटर्स जांचे जाते हैं वो है वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, SNF यानी कि सॉलिड नॉट फैट की मात्रा और दूध का फ्रीजिंग पॉइंट। दूध में मिलावट इन पैरामीटर्स को बरकरार रखने के लिए की जाती है, जिससे दूध की गुणवत्ता गलत तरीके से बढ़ाई जा सके। दूध में सबसे आम मिलावट है पानी, ताकि दूध की मात्रा बढ़ाकर मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन पानी मिलाने से दूध का विशिष्ट घनत्व घट जाता है। ऐसे में दूध का घनत्व, सेल्फ लाइफ और रंग को बनाए रखने के लिए कई तरह के हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च, न्यूट्रलाइजर, यूरिया, चीनी और डिटर्जेंट। The most adulterated food materials in India itself, it is the milk. Almost all the adulterants, you can say whatever you can add, it is being untested because it has not been tested all these things. So those things are being tested here, tested by the science and technology. I am giving those the list of them. Neutralizer is the most one of the very vigorous, I mean very very dangerous thing that they are being added. What they are adding? Sodium carbonate bicarbonate. Or recently they are using the sodium hydroxide, NaOH. They are using that one so that people can understand whether the milk is being kept so many times long or it has been दूध में मिलावट का पता क्वालिटेटिव जांच विधि यानी कि बायोकेमिकल मेथड से किया जा सकता है, या फिर क्वांटिटेटिव यानी कि बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से। दूध में अलग अलग चीजों की मिलावट के लिए एक या फिर एक से ज्यादा जांच विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन विधियों के बारे में बारीकी से जानने के लिए हमने गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का दौरा किया। दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और घनत्व बढ़ाने के लिए चीनी मिलाते हैं। चीनी की मिलावट का पता करने के लिए सबसे पहले एक परख नली में दूध का सैंपल लेते हैं, फिर उसमें 5 मिलीलीटर रिसोर्सिनॉल सॉल्यूशन डालते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को उबालते हैं। जिसमें चीनी मिली हुई है उसमें लाल कलर आ जाएगा, जिसमें चीनी नहीं मिली हुई है वो एज इट इज ऐसे का ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा, इससे ज्यादा उसमें लाल कलर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अपना लैक्टोज शुगर भी होता है, वो थोड़ा सा असर करेगा, तो थोड़ा सा वो हल्का सा क्रिम्सन कलर में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चीनी की मिलावट नहीं है और इसमें चीनी की मिलावट है। चीनी में दो तरह के शुगर होते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। रंग में बदलाव चीनी में मौजूद फ्रक्टोज के कारण होता है।
दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ाने और सिंथेटिक मिल्क बनाने में SNF यानी कि सॉलिड्स नॉट फैट्स और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए यूरिया मिलाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो सबसे पहले हम इसमें हमारा जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है वो लेंगे। ऐसे हमने 5 ml अडल्ट्रेटेड मिल्क लिया। अब हम इसमें 1.6% DMAB का सॉल्यूशन सेम क्वांटिटी में ऐड करेंगे। जब हम ये ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर इसमें यूरिया की अडल्ट्रेशन होगी तो उसका कलर जो है वो येलोइश कलर हो जाएगा। अब हम यही सेम प्रोसीजर हमारे सैंपल के लिए लगाते हैं। तो जब हमने इसमें सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद में अगर हम इसमें DMAB सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका कलर येलो नहीं हुआ। इट मींस दैट कि इसके अंदर हमारे मिल्क में यूरिया की अडल्ट्रेशन एब्सेंट है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मलिन दूध में मिलाए जाने वाले न्यूट्रलाइजर हैं। ये न्यूट्रलाइजर दूध में कर्डलिंग यानी कि दूध के फटने को रोकने के लिए मिलाया जाता है। अब हम आपको दूसरी सेकंड मेथड बता रहे हैं जिसमें हम न्यूट्रलाइजर का डिटेक्शन करेंगे कि किस तरह से अगर किसी भी मिल्क में न्यूट्रलाइजर NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की अडल्ट्रेशन होती है तो हम उसे किस तरह से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा कंट्रोल लेंगे जिसमें हमने पहले से ही न्यूट्रलाइजर ऐड कर रखा है। अब इसमें हम रोजलिक एसिड डालेंगे। 0.05% रोजलिक एसिड ऐड करने पे अगर हमारा मिल्क अडल्ट्रेटेड होगा तो उसका कलर रोज रेड कलर हो जाएगा और अगर यदि उसमें किसी भी तरह की अडल्ट्रेशन नहीं होगी रिलेटेड टू न्यूट्रलाइजर तो उसका कलर जो है वो एज इट इज रहेगा, स्लाइटली ऑरेंज कलर हो जाएगा। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हम देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो रोज रेड कलर हो गया है। इट मीन्स दैट हमारे कंट्रोल के अंदर न्यूट्रलाइजर प्रेजेंट है। न्यूट्रलाइजर की अडल्ट्रेशन मेनली कोई भी FBO इसलिए करता है कि जिससे उस मिल्क की एसिडिटी जो है वो मेंटेन रह सके और साथ ही साथ उसकी ग्रेविटी को भी मेंटेन रखा जा सके। अब जब हम उसको जब सैंपल में हम इसका टेस्ट लगाते हैं सिमिलर प्रोसेस तो हम देखते हैं कि हमने मिल्क लिया अब उसमें हम रोजलिक एसिड 0.05% का ऐड करेंगे। तो उसका कलर ऑरेंज कलर रहेगा। इट मींस दैट इसके अंदर हमारे सैंपल के अंदर न्यूट्रलाइजर की अडल्ट्रेशन नहीं है। तो हमारा जो कंट्रोल है उसमें रोज रेड कलर आ रहा है, इट मींस दैट न्यूट्रलाइजर पॉजिटिव और जो सेकंड हमारा सैंपल है उसमें न्यूट्रलाइजर एब्सेंट। दूध में यदि वसा की मिलावट की गई हो तो उसकी जांच के लिए सबसे पहले दूध से वसा को अलग करते हैं। इसके लिए मुख्यतः दो तरीके अपनाए जाते हैं, गर्बर मेथड और रोज गॉटलैब मेथड। रोज गॉटलैब मेथड में पहले से मापे गए दूध के नमूने में 1.2 ml अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं। इसके बाद इथाइल एल्कोहल डालकर मिश्रण को हल्का गर्म किया जाता है। मिश्रण के ठंडा होने के बाद डाइइथाइल ईथर और पेट्रोलियम ईथर के साथ उस वसा को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार करते हैं। इस तरह से निकाले गए वसा की BR रीडिंग देखी जाती है। इसके लिए डिजिटाइज ब्यूटीरो रेफ्रेक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सैंपल करके दिखाता हूँ जिसमें जो मिल्क फैट है ये देखिए 41.5, ये 41.5 परफेक्ट BR रीडिंग है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्टेड फैट के लिए। तो ये 40 डिग्री पर करा हुआ जो फैट है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है मिल्क से वो बिल्कुल इन लाइन ऑफ द रिक्वायरमेंट है
और ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से जो जो दूसरे फैट हैं अदर देन मिल्क जो है वो कैसे इसमें आएगा और वो देखिए ये 53.8.9 के करीब इसकी बीआर रीडिंग आ रही है, जिससे पता चलता है कि ये मिल्क फैट नहीं है और इसके अंदर कोई वेजिटेबल फैट मिलाया गया। ब्यूटीरो रिफ्रेक्टोमीटर एक बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है। इसके अलावा कई एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स हैं जो दूध में मिलावट की सटीक पहचान करते हैं। LC-MSMS एक शक्तिशाली विश्लेषण तकनीक है। इसमें लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के सेपरेटिंग पावर यानी कि मिश्रण के एक एक घटक को अलग करने की शक्ति और ट्रिपल क्वाड्रुपल मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अणुओं के द्रव्यमान के आधार पर पहचान कर अलग करने की क्षमता को मिश्रित किया गया है। LC-MSMS किसी भी मिश्रण के घटकों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग करता है। इस तकनीक से दूध और दूध उत्पादों में मौजूद टेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरेट टेट्रासाइक्लिन्स जैसे एंटीबायोटिक्स रेजिड्यू की जांच की जाती है। इसके अलावा कीटनाशकों की मिलावट और पशुओं की दवाओं की मिलावट की भी जांच की जाती है। इस तकनीक में PPM यानी कि पार्टिकल पर मिलियन और PPB यानी कि पार्टिकल पर बिलियन स्तर पर सैंपल का विश्लेषण कर मिलावट का पता लगाया जाता है। दूध में प्रोटीन की मात्रा दूध की शुद्धता मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसके लिए प्रोटीन एनालाइजर नामक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन ज़ेल्डल सिद्धांत पर आधारित है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मेलामाइन मिलावट और प्रोटीन की मात्रा की जांच इस विधि से की जाती है। ज़ेल्डल मेथड को दूध में प्रोटीन की मात्रा पता करने का मानक माना जाता है। इस मेथड का विकास सबसे पहले जोहान ज़ेल्डल ने 1883 में किया था, लेकिन बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इस मेथड को 3 चरणों में पूरा कर प्रोटीन की मात्रा का पता लगाया जाता है। ये चरण है डाइजेशन, डिस्टिलेशन और टाइट्रेशन। टाइट्रेशन की प्रक्रिया से प्राप्त नाइट्रोजन को विशिष्ट कन्वर्जन फैक्टर की मदद से अपरिष्कृत प्रोटीन में बदला जाता है, जिससे प्रोटीन की मात्रा का पता चलता है। ये दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों में सभी रंग आधारित पैरामीटर्स की मात्रा निर्धारित करता है। UVVS यानी कि अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 180 नैनोमीटर और 1100 नैनोमीटर के बीच के वेवलेंथ की एक रोशनी नमूने के घोल से गुजरती है। दूध का नमूना इस वेवलेंथ को अवशोषित या संचारित करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नमूने द्वारा अवशोषित या संचारित अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट के अलग अलग वेवलेंथ की मात्रा को रेफरेंस नमूने से तुलना करता है और मिलावट का पता लगाया जाता है। दूध की शुद्धता जांच के लिए हम केवल इन उपकरणों पर निर्भर नहीं हैं। दूध या अन्य खाद्य पदार्थों के कुछ पैरामीटर्स की जाँच हम घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके जो किचन में सामान है, घर में सामान है, आप उसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नमक जो है खाने लायक है कि नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट है। हम लोगों ने FSI में हमने इसको एक डार्ट बुक का नाम दिया है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाके अवेलेबल है, कोई भी इसको PDF फाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकता है। उसमें ऐसे हमने 42 मेथड्स दिए हैं, जिससे कि बिना मशीनों का, बिना लैब का, आप घर में ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलावट तो नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई,